कालकिंग की चीख से पूरी गुफा हिल गई थी। सब लोग डर गए थे। कालकिंग ने सबको एक नजर देखा और कहा, तुम लोग यहाँ मेरी गुफा में मेरी कैद में हो। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। प्रथम और वीरज की युक्ति काम कर गई। वो कालकिंग को भड़का कर उसके हाथों दर्श को मरवाना चाहते थे। दर्श, तुम हार मत मानना। तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इस पूरी गुफा को हिला सकते हो। वीरज ने कालकिंग के गुस्से की आग में घी डालने का काम किया। बस बहुत हो गया प्रथम, अब अगर एक शब्द और अपनी जुबान से निकाला तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप तुम्हारे इस तमाशे को सहन करता रहूंगा। मुंह उतना ही खोलो जितना जरूरी है, समझे? यहाँ मौजूद हर किसी में तुम्हारे जितना दिमाग नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो, दर्श ने गुस्से में कहा। प्रथम, वीरज और मौजूद बाकी लोगों से दर्श की बहस हो गई थी। कालकिंग राक्षस इस लड़ाई से चिढ़ गए थे, पर साथ ही उसने इस लड़ाई का फायदा उठाने का विचार किया। कालकिंग राक्षस ने हंसते हुए कहा, मजेदार, इंटरेस्टिंग। आप दोनों को यूं लड़ता देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर तुम्हारे बीच बहुत गहरी दोस्ती है, क्योंकि दोस्ती जितनी गहरी होती है लड़ाई भी उतनी ही मजेदार होती है, और खासकर की मार्शल आर्ट्स में। कालकिंग राक्षस ने हंसते हुए अपने खास राक्षस मरीचा से पूछा, मरीचा आखिर ये चल क्या रहा है? मरीचा कालकिंग राक्षस का सबसे खास राक्षस है और खतरनाक भी। ये राक्षस दूसरों से काफी अलग था, क्योंकि ये हकीकत में इंसानों के कपड़े पहनकर खड़ा था और इंसानों के बीच रहना इसकी खूबी थी। वो कालकिंग के पास गया और कहा, इस बच्चे का नाम दर्श है। आपके आने से पहले इस बच्चे दर्श ने एक लड़की पर बलात्कार करने की कोशिश की थी, और उसे इन इंसानों ने इस छोटे से बच्चे को ऐसा करते रंगे हाथ पकड़ा था, इसलिए ये सब इस बच्चे पर गुस्सा है और इसे मारने के लिए आतुर है। दर्श वहां से भाग गया था, लेकिन ये कमजोर इंसान एक छोटे से बच्चे को पकड़ नहीं पाए, और देखो दर्श आखिर भागते भागते आया तो यहीं। हमने उम्मीद नहीं की थी कि दर्श तुम ऐसे हमारे पास चल के आओगे। मरीचा और बाकी के सभी राक्षस हंसने लगे। मरीचा की बात सुनकर सबके सामने सच आ गया था। मरीचा फिलहाल राक्षस के रूप में था, लेकिन यही मरीचा प्रथम की टीम में एक मनुष्य के रूप में था, और सबको धोखा देकर उसने प्रथम के आकर्षण के अंदर रहकर सबको मारा था। मरीचा ने जिस सफाई से मनुष्य का रूप धारण किया था, उससे जानना मुश्किल था कि वो सच में एक राक्षस है। अगर प्रथम और उनके साथियों ने पहले ही पता लगा लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मरीचा ने कहा, ऐसे ही है ये इंसान, शिकायतों से भरे, एक दूसरे से नफरत करते हुए ये इंसान। इंसान आखिर इंसान ही रहेंगे, वो कभी नहीं सुधरेंगे। वे सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन तुम हमारे राजा को जानते नहीं होगे। सच्चाई जानने के बाद कालकिंग ने प्रथम और उसके सभी साथियों को तिरस्कार की नजरों से देखा और दर्श की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया, इस छोटे से बच्चे को उन्हीं के साथ फेंक दो और जाओ अंदर जाकर बाकी सभी इंसानों को लेकर आओ। आज उनके साथ मैं खेल खेलना चाहता हूँ। मरीचा ने दर्श को वहीं पर नीचे फेंक दिया। मरीचा जिन इंसानों को बंदी बनाकर लाया था, उनमें से कुछ लोगों को गुफा के भीतरी भाग में रखा था। सबको पकड़कर बालों से घसीटते हुए हॉल में राजा के सामने ला रहा था। राशि बाहर नहीं आना चाहती थी। मरीचा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं राजा क्या चाहते हैं? मेरे राजा आज तुम सबके साथ एक खेल खेलना चाहते हैं, तो ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और चलो। मरीचा राशि को भी बालों से पकड़कर हॉल में लाकर फेंक देता है। दर्श सब अपनी आंखों से देख रहा था। सभी लोग खेल का नाम सुनकर काफी डर गए थे, क्योंकि वहां मौजूद सभी अनुमान लगा सकते हैं कि कालकिंग राक्षस उनके साथ जो खेल खेलना चाहता है वो कोई आम खेल नहीं होगा। राक्षस जो सदियों से इंसानों को मारते आए हैं, उनसे नफरत करते आए हैं, वो इंसानों के साथ अगर खेल खेलेंगे तो सोचो वो कैसा खेल होगा। सब बेहद डर गए थे। दर्श अभी भी राज शिखर के इंतजार में बैठा था। मरीचा ने कहा, ये मनुष्य किसी के नहीं होते, सब स्वार्थ के सगे होते हैं, जरूरत पड़ी तो साथ वरना सब अलग। मैंने सुना है कि इंसान दिल के पत्थर होते हैं, क्या ये सच बात है? कालकिंग राक्षस ने कहा, लेकिन मरीचा इनमें कुछ लड़कियां वाकई में बहुत खूबसूरत होती है। आज यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मौजूद है वो भी देखो कितनी सुंदर है। कालकिंग राक्षस ने अपना हाथ फैलाया
और वहां मौजूद एक लड़की पर हाथ सहलाते हुए कहा, देखो तो सही इन सुंदर चेहरों को, मन करता है कि अभी ही इन्हें अपना भोजन बना लूं। वहां खड़ी लड़की डर के मारे चिल्ला कर बोली, नहीं नहीं प्लीज। लड़की के दिल की धड़कन बढ़ गई, जैसे उसे काल किंग ने नहीं बल्कि उसकी मौत ने छुआ हो। रुक जाओ काल किंग राक्षस, तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है उसे हम शांति से बैठकर सुलझा सकते हैं, लेकिन अगर तुमने उस लड़की को फिर से छूने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। काल किंग ने कुछ भी गलत किया तो सुप्रीम पैलेस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, प्रथम ने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं सुप्रीम पैलेस से डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही काल किंग राक्षस ने प्रथम की बात सुनी, काल किंग राक्षस और भी गुस्सा हो गया। काल किंग राक्षस ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वहां पर अचानक एक धमाका हुआ। ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि प्रथम हवा में उड़ा और मुंह से खून की उल्टी करने लगा। इसके तुरंत बाद काल किंग ने फिर से अपना सिर घुमाया और उसके शरीर से एक शानदार मैजिस्टिक फोर्स फैल गई, जिसने प्रथम को वापस खींच लिया जो अभी तक ऊपर हवा में ही था, और प्रथम को अपने सामने 1 मीटर की दूरी पर लटका दिया। प्रथम का हाल देखकर सब डर गए थे। काल किंग राक्षस ने कहा, लड़के ये मत सोचो कि ये महान राजा तुम्हारे तुच्छ सुप्रीम पैलेस से डरता है, और अपनी सुप्रीम पैलेस की इतनी बातें मत किया करो। मैं सबको अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम किस तरह के लोग हो, और अभी तुम क्या कह रहे थे, क्या मतलब था उसका जरा कहना कि अगर दोबारा उसे हाथ लगाया तो तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे? ऐसा ये सब इसलिए कि मैंने उस लड़की को छुआ था। तुम्हारा सुप्रीम पैलेस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। काल किंग दो मुट्ठियों जितनी बड़ी खून से भरी लाल आंखों के साथ हवा में लटके हुए दर्द से चीखते हुए प्रथम को घूर कर देख रहा था। प्रथम ने डरते हुए कहा, वो मैं। काल किंग राक्षस को अपनी आंखों से घूरते देख प्रथम काफी डर गया था। प्रथम डर के मारे राक्षस को किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। काल किंग राक्षस ने प्रथम को मारते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। प्रथम से जवाब ना मिलने पर काल किंग राक्षस ने फिर से पिछली बार की तरह प्रथम को हवा से नीचे फेंका, लेकिन इस बार भी प्रथम को नीचे नहीं गिरने दिया। गिरने से पहले ही काल किंग राक्षस ने वापस प्रथम को अपनी ओर खींच लिया था। काल किंग राक्षस ने गुस्से में आकर प्रथम को जोर से एक थप्पड़ मार दिया था। काल किंग राक्षस के थप्पड़ से प्रथम के चेहरे के दाहिने हिस्से में सूजन आ गई और वो खून जैसा लाल हो गया था। काल किंग राक्षस ने गुस्से में प्रथम से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा, मुझे उसका जवाब चाहिए, बोलो। प्रथम काफी डर गया था। उस लड़की को मैंने छू क्या लिया इसलिए तुम मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? काल किंग ने उस महिला की ओर इशारा करते हुए जिसे उसने पहले छुआ था जोर से पूछा। उसकी आवाज तेज थी। जैसे ही उसकी आवाज चारों ओर गूंजी, पूरा हॉल कांप गया था। वहां मौजूद उस लड़की के साथ साथ बाकी सब भी डर गए थे। इस घटना का सामना करते हुए प्रथम की आंखें चमक उठी, मानो वो एक ऐसा उत्तर सोच रहा हो जो उसकी जान बचा सके। अंत में प्रथम ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हाँ। काल किंग राक्षस बहुत गुस्से में था। प्रथम की इस चीख से काल किंग राक्षस और भी गुस्से में आ गया था, और गुस्से में आकर उसने प्रथम के बाएं गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। इस बार ताकत पहले जैसी ही थी, इसलिए प्रथम का बायां गाल भी सूज गया था। प्रथम के दोनों बाजू के गाल सूज गए थे और उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से खराब हो गया था। काल किंग राक्षस ने कहा, बहुत गर्व है ना तुम्हें अपनी सुप्रीम पैलेस पर? सब जानते हैं कि तुम्हारे सुप्रीम पैलेस के लोग कैसे हैं, बार बार हमारे क्षेत्र में घुसते हैं, उन पर हमला करते हैं, हमारे क्षेत्र में आकर हमारी सेना के राक्षसों को मारते हैं, और फिर उनकी मौत का इल्जाम भी हम पर ही डालते हैं कि हमने उन पर हमला किया था। कोई तुम्हारे क्षेत्र में आएगा तो क्या तुम उस पर हमला नहीं करोगे? करोगे ना, हम भी वही कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र की रक्षा। तुम मनुष्यों से इस गलत फहमी में मत रहना कि तुमसे डरते हैं हम। तुम्हारा सुप्रीम पैलेस सिर्फ साधारण इंसानों से भरा हुआ है, और उनको खत्म करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। अचानक काल किंग राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। काल किंग राक्षस अपनी जीत की घोषणा कर रहा है, तुम इंसानों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। काल किंग राक्षस बोलते समय एक लड़की को पीछे से अपने हाथ से पकड़ लिया और उस लड़की को जमीन से ऊपर हवा में खींच लिया और फिर उसे झटका दिया। काल किंग राक्षस ने उस लड़की की स्कर्ट को फाड़ दिया था। उस लड़की की त्वचा और कामुक आकृति पूरी तरह से खराब हो गई थी। वो किसी को भी अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही थी।
काल किंग ने एक ही झटके में बिना कुछ सोचे उस लड़की को सबके सामने निर्वस्त्र कर दिया था। सब लोग शॉक थे, सबकी बोलती बंद हो गई थी। आखिर वही हुआ जिसका दर्श को डर था। लड़कियां राक्षसों की हवस का शिकार बन रही थी। दर्श लाचार था, वो ये सब नहीं देख सकता था। दर्श की नजर चारों ओर राजशेखर को ढूंढने लगी। अब एक ही आशा थी, राजशेखर। उस लड़की ने तुरंत अपने हाथ अपनी छाती पर रखे, अपने बदन को ढकने की कोशिश की और जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन काल किंग राक्षस ने उसकी एक नहीं सुनी। काल किंग राक्षस ने कहा, मरीचा, अब तुम्हें उस लड़की को पकड़ना है, उसका पीछा करना है, और अगर तुमने उस लड़की को पकड़ लिया तो ये लड़की तुम्हारा तोहफा होगी। ऐसा लगा मेरा खेल और मेरा तोहफा, मरीचा ने कहा। अरे मालिक, एक नंबर। मरीचा की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई थी। मरीचा उस लड़की को पकड़ने उसके पीछे भागा। लड़की बेबस थी, वो जानती थी कि कोई भी उसकी मदद को नहीं आ पाएगा। वो कुछ भी करके मरीचा के हाथ लगने से बचना चाहती थी। उस लड़की को ऐसे अपनी जान बचाते भागते देख काल किंग राक्षस जोर जोर से हंस रहा था। थोड़े ही समय में मरीचा ने उस लड़की को पकड़ लिया था। मरीचा उस लड़की को सबके सामने हॉल के बीचों बीच लेकर आता है और उसे नीचे फर्श पर फेंक देता है। वो लड़की अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो, मेरी मदद करो। लेकिन उन राक्षसों ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे जैसे लड़की की चीख बढ़ती जा रही थी, राक्षसों की हंसी उतनी ही बढ़ती जा रही थी, और इन्हें देखने वाले बाकी के सभी लोग आंख बंद करके शर्म के मारे अपना सिर झुकाए खड़े थे। उस लड़की ने उम्मीद के साथ उन सभी को देखा था कि कोई तो मेरी मदद कर दो, लेकिन उनका झुकता चेहरा देख लड़की कमजोर पड़ गई थी। मरीचा उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने अपनी जान लगा दी थी, लेकिन मरीचा के सामने वो कुछ भी नहीं थी। मरीचा ने इसी बात का फायदा उठाते हुए उसने उस लड़की की छाती पर मौजूद एकमात्र लाल कपड़े को भी फाड़ दिया था। मरीचा ने कहा, हा, 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 ये बहुत स्वादिष्ट है। ऐसी सुंदर लड़की को पहली बार देखकर मरीचा की आंखें चार हो गई थी, क्योंकि आज तक मरीचा ने ऐसी सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। वो लड़की इतनी डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आत्मा कांप उठी और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन इस मामले में उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। आखिर ये किसकी आवाज थी? दर्श भी हैरान था। दर्श ने आसपास देखा, कहीं राजशेखर तो नहीं आए, लेकिन उसे राजशेखर कहीं दिखे नहीं। तो फिर ये आवाज किसकी थी? किसने मरीचा जैसे राक्षस के सामने आने की हिम्मत की थी? दर्श की परेशानी बढ़ रही थी। आगे क्या होने वाला था दर्श की जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।